उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर घमासान चल रहा है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अध्यक्ष जिला पंचायत के पति खुद को बेगुनाह बता रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य को ही अपराधी करार दे रहे हैं। इसके अलावा अब उनके साथ इस पूरी लड़ाई में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक जिला अध्यक्ष पंचायत सरिता चौधरी को कोई खतरा नहीं है। बता दें कि अमरोहा में अध्यक्ष जिला पंचायत की कुर्सी को लेकर घमासान मचा है। काफी लंबे समय से कुर्सी पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह की पुत्रवधू, जो पहले अध्यक्ष जिला पंचायत की कुर्सी पर काबिज थी, वह और उनके पति लगातार अध्यक्ष जिला पंचायत की कुर्सी पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिशों में जुटे हैं। इसी के चलते दोनों पक्षों के बीच कई बार खींचतान देखने को मिली है और यह घमासान जारी है। इस बीच कई बार जिला पंचायत सदस्यों के अगवा होने की खबरें भी सामने आती रही और कई बार पक्ष और विपक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। आज सुबह वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत सदस्य पिंटू गुज्जर ने अपने साथ ही जिला पंचायत सदस्य के पति पिंटू भाटी के साथ मिलकर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष जिला पंचायत के पति भूपेंद्र चौधरी व दल बदलू होने की आरोपों के साथ साथ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह जिला पंचायत सदस्यों को परेशान कर रहे हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। उनके मुताबिक भूपेंद्र चौधरी दल बदलू है और कई पार्टियां बदल चुके हैं। इन सभी वीडियो को दिखाकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति भूपेंद्र चौधरी से हमने बात की और उनकी राय जाननी चाही, तो उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वह पिंटू तो खुद अपराधी है और उसके खिलाफ कई संगीन वारदातों पर मुकदमे दर्ज हैं। उनके मुताबिक पिंटू उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है और यह सब विपक्ष की साजिश है। इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान से जब हमने राय जाननी चाही तो चेतन चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सही कदम उठाया जाएगा, हमारी पार्टी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मैं पत्रकार बंधुओं को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे साथ में मेरे बड़े भाई पिंटू उर्फ भूपेंद्र सिंह जी, जो वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं पिंटू भाटी जिला पंचायत सदस्य पति, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अमरोहा ज़िले में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव में जो उठा पटक का मामला चल रहा है उसको लेकर के मेंबरों के खिलाफ जो मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, झूठे फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, उसको देख कर अमरोहा ज़िले की जनता में काफ़ी आक्रोश है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मैसेज जा रहा है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जो उनकी पत्नी सरिता चौधरी हैं, उन्होंने ज़िले में काफ़ी उत्पात कर रखा है, जिससे कि सभी मेंबर प्रताड़ित हैं और मेंबरों को प्रताड़ित होने के साथ साथ वहां की जनता भी काफ़ी प्रताड़ित है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मेरे ज़िले के जिलाधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके विरुद्ध चलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह जो वहाँ की कार्यशैली है वो उसको अलग लेकर चल रहे हैं, जिससे कि इसको पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका उदाहरण अभी हुआ है कि अमरोहा लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी की है उसको उसका खामियाजा उठाना पड़ा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चौधरी भूपेंद्र सिंह ने जगह जगह जाकर चुनाव भी लड़ाया है और एक दो बार मेरी बात हुई है तो उन्होंने मेरे से खुद से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो बेकार पार्टी है। उसका कारण यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह सबसे पहले लोकदल में रहे, उसके बाद समाजवादी में रहे, उसके बाद बसपा में रहे और आज बीजेपी में है। ये बीजेपी का चोला पहनकर पार्टी की नीति से विरुद्ध चलकर पार्टी की को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप पार्टी के सभी पदाधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो दल बदलू लोग हैं वो जगह जगह पार्टियां चेंज कर कर अपना फ़ायदा उठाने के लिए अगर इस तरह से हमारी पार्टी में आते रहेंगे तो इस चीज़ का नुकसान हमारी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। मैं खुद
सन 2000 से आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मेरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी मेरा एक परिवार है। अगर मेरे एक परिवार में कोई व्यक्ति अलग तरह परिवर्तन का जुड़ जाता है तो मैं उसके विरुद्ध हूँ। और मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ, जो अभी टेंडर जिला पंचायत में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पंचायत मेंबर हैं उनके वार्डों में बहुत कम काम निकाले गए हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनके वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाले हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का एक काम है, ये ठेकेदार व्यक्ति हैं, ये 45% 50% कमीशन लेने का काम करते हैं। अगर एक ठेकेदार 40% दे और दूसरा 45 देने लगे तो उस काम को उससे हटाकर दूसरे को 45% वाले को एक काम दे देते हैं। तो इस तरीके से गलत मैसेज गलत काम जनता में हो रहा है और इस चीज़ को जनता हमसे बोलती है तो हम जनता को जवाब कहाँ से दें। मैं पार्टी के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इसके खिलाफ कोई भी एक्शन पार्टी ले और इसके जो कारनामे हैं, इन्होंने जो कार्य कराए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे ज़िले में जो कार्य कराए हैं उनकी जांच कराई जाए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, किसी भारतीय जनता पार्टी या अदर कोई भी मेंबर हो, झूठा मुकदमा किसी पे ना लिखवाया जाए। और पार्टी के सभी पदाधिकारी अपने दिमाग में ये बात रखें कि कौन अब आदमी अच्छा है और कौन बुरा है, उस चीज़ को पहचाने, उसके बाद पार्टी किसी का भी सहयोग दे। इसी के साथ मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। जो है सदस्य हैं उन्होंने वीडियो वायरल करके अपने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना? छोड़ दीजिए इसको, ठीक आगे देखिए, सही निर्णय लिया जाएगा, सही कदम उठाए जाएंगे। और इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। आप बताइए, जो पिंटू गुर्जर नाम के जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने वीडियो वायरल की है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे वैसे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो खुद CBI उनकी जांच कर रही है। भली भांति पूरा जनपद परिचित है। उनके भाई विपिन जो मैनेजर थे प्रथमा बैंक के अंदर, हसनपुर के अंदर, उन्होंने कई करोड़ का घोटाला किसान भाइयों के साथ किया, उनके नाम पर फर्जी लोन निकाले गए, उनकी CBI का मुकदमा उनके उनके परिवार के ऊपर दर्ज है, उसकी CBI जांच कर रही है। वो खुद बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, उनका पूरा परिवार घोटाले में फंसा हुआ है, वो CBI इसकी जांच कर रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के खेमे से आपके जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है आपके खिलाफ, उसको? ये पिछले 3-4 महीने से यही चर्चा मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के साथ बहुमत है तो बहुमत लेकर जनपद में आए। और अपहरण तक के आरोप लगा रहे हैं कि आपने सदस्यों के अपहरण तक कर रखे थे। किसी भी परिवार के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा मेरे खिलाफ ना कोई तहरीर दी गई है, ना ही कोई मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, ना कोई मैं किसी का अपहरण किया है। लेकिन इस तरीके से एक वीडियो वायरल होना, वीडियो वायरल करना, क्या कहते हैं? अब दो पक्ष हैं, एक पक्ष कुछ भी कह सकता है, इसमें मैं क्या कह सकता। अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है जो आपको गलत दिए गए हैं कि उन्हें उनके साथ मारपीट की जाती है। मेरे साथ कोई गनर नहीं है, जो भी गनर है वो मेरी पत्नी के साथ है और आप गनर, मेरे साथ कोई गनर नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार धमका रहे हैं परिवारों का, ऐसा आरोप है। कोई वीडियो फुटेज वो दिखाएं, कोई सबूत जैसा दिखाएं, तो विपक्षी हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते। ठीक है, थैंक यू। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।